गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जुलाई 2023। एफओएमसी रेट डिसीजंस कल है, मार्केट उसी में उसी के लिए इंतजार कर रहा है। मेनली रेट हाइक के बारे में इंतजार नहीं हो रहा है, फर्दर फॉरवर्ड गाइडलाइंस क्या होगा उसके ऊपर मार्केट देख रहा। एज ऑफ नाउ डॉलर इंडेक्स 101.25। अभी जो देखने वाला बात ये है कि ये सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, उसके सामने एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है। दैट बीइंग द केस, क्या आज और कल ये 2 दिन में यहाँ पे सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आएगा? अगर आता है इन सच ए केस, आपका इट इज ए ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड कैंडिडेट। इन सच ए केस 4 आवरली पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमने ड्रॉ किया, इसके लो के नीचे जैसे क्लोज देगा तो डॉलर इंडेक्स में मूव डाउन टूवर्ड्स 9950 से 9980 की तरफ, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। दिस इज कॉल्ड अ ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप, जिसका फर्दर डिटेल्स आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज सेक्शन पे। यहाँ पे निगेट कब करेगा प्राइस, अगर सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज दे देता है तो। डॉलर रुपी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है, ये जो 8190 82.00 लेवल पे इनविजिबल हैंड्स आर बाइंग, तो कल उनका प्रेजेंस मिसिंग था। कल अच्छा खासा इनफ्लोज मार्केट में हिट कर रहा था एंड कॉरस्पॉन्डिंग इनविजिबल हैंड्स का स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखा नहीं, बिकॉज ऑफ व्हिच एक सर्टेन लेवल के बाद मार्केट शॉर्ट सेलिंग होना चालू। अभी द क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में अभी देखने वाला पहला चीज है कि आप देखोगे ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, फर्स्ट टाइम ये ट्रायंगल के नीचे ब्रेक डाउन किया। दैट बीइंग द केस, क्या ये कंटिन्यू करेगा रुपी एप्रिशिएट करने के लिए? एक प्रोबेबिलिटी। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है कि आज या आने वाले दिनों में दोबारा ये ऊपर की तरफ जाके क्लोज दे देता है, समथिंग लाइक दिस। इन सच ए केस दिस ब्रेकडाउन विल बी कंसिडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन। अगर इस टाइप का कैंडल दोबारा ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, देयर बाय मेकिंग इट एज ए फॉल्स ब्रेकडाउन, इन सच ए केस डॉलर रुपी फिर दोबारा ये हायर एंड की तरफ जाएगा। अभी हायर एंड आपका 82.80 82.90 नहीं है, धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आ रहा है। अभी ये हो गया है आपका 82.60 से 82.65, पिछले बार ये था 82.70 के आसपास, क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। सो क्या होता है हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन की तरफ से। जीबीपी डॉलर अभी है आपका 1.2837। कल यहाँ पे हमने ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये आप देखोगे 4 आवरली पे इसके ऊपर क्लोज दिया था लेकिन फॉलो थ्रू था नहीं। दैट बीइंग द केस ये दोबारा सेंटर बैंड के नीचे आके बैठा हुआ चला आया है। दैट एंड देयर बाय ये जो ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप है वो निगेट कर गया है। अभी हमें सिंपल प्राइस एक्शंस देखना है। सब सिंपल प्राइस एक्शंस में क्या देखना है, आवरली पे क्या ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करता है? जैसे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगा उसके हाई के ऊपर हम बाई करने के लिए देख सकते हैं, लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1:2 से 1:5 का एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली ये सेंटर बैंड ब्रेक डाउन करके काफी नीचे आ चुका है, अच्छा खासा एप्रिसिएशन जीबीपी आईएनआर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए आवरली बेसिस पे एक डब्ल्यू पैटर्न हमें देखना है। डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन के ऊपर हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यूरो डॉलर में ये आके अभी ये सेंटर बैंड के आसपास आके रुका हुआ है। दैट मीन द केस यूरो डॉलर में एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का। तो इन सच ए केस यहाँ पे जो हम एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस खींचेंगे, इसके ऊपर जैसे ही क्लोज देगा तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। एंड आपका जो टारगेट हो सकता है स्विंग हाई, दैट इज 1.12, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। क्या कंडीशंस? लोअर टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा एंड उसके बाद फॉलो थ्रू करना पड़ेगा। यूरो आईएनआर में भी हालांकि ये ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप नहीं है क्योंकि ये सेंटर बैंड से नीचे क्लोज दिया है, बट यहाँ पे आवरली बेसिस पे अगर हम एक डब्ल्यू पैटर्न आता है उसमें हम बाई करने का पॉसिबिलिटीज ढूंढ सकते हैं, कीपिंग द स्विंग लो एज द स्टॉप लॉस, देयर बाय 1:2 से 1:5 के लिए हम यहाँ पे ट्राई
कर सकते हैं। डॉलर येन में कल हम यहाँ पे ड्यूएल पीरियड बोलिंजर बैंड के लिए इंतजार कर रहे थे। कल जो कैंडल दिया है ये एक डोजी कैंडल दिया है। अभी डोजी मीन्स पॉज, यानी इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे सेल ऑफ। क्या होगा आज और कल में हमें देखना पड़ेगा। येन आईएनआर पे यहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं हो रहा है। सिमिलरली ये आवर्ली बेसिस पे अगर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करता तो हम बाइंग के लिए देख सकते के स्विंग मींस स्टॉप लॉस एंड 1:2, 1:4 के हिसाब, 1:5 के हिसाब से सोच सकते हैं। डॉलर के न्यू में प्राइस एक्शन थोड़ा सा क्लियर है नहीं, इसमें हमें और प्राइस टाइम देना है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर ये आज या आने वाले दिनों में कल के नेगेटिव कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे देता है एंड पॉजिटिव कैंडल बनाता है समथिंग लाइक दिस, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रेंज शिप। इन सच अ केस डॉलर के इंडिया पे एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर में जो है आपका, ऑसी डॉलर में ये कैंडल के बाद हम ये एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे की तरफ 0.66 की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कल और आज में वो प्राइस एक्शंस दिख नहीं रहा है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सो हमें अभी इसको रेदर देन टारगेटिंग 66 इसको छोड़ देना चाहिए, क्लैरिटी के लिए इंतजार करना चाहिए। डॉलर सीएनएच यहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर रहा है पीबीओसी, बिकॉज ऑफ व्हिच मींस CNH में थोड़ा सा एप्रिसिएशन दिख रहा है। ऐसे भी प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो आपका 14 जुलाई के लो के नीचे अगर वीकली क्लोज दे देता है, इन सच ए केस CNH में परमानेंट सॉल्यूशंस हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशंस मींस और एप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। अभी यूके ऑयल पे 82.52 है, कल ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर चला गया है, तो देयर बाय देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की क्रूड ऑयल यूके ऑयल इन दिस केस। आप अगर ब्रेंट क्रूड देख सकते हो, देखना चाहते हो ब्रेंट क्रूड देख सकते हो, WTI देखना है WTI देख सकते हो। अकॉर्डिंगली इट में ये जो यूके ऑयल है इट में हेड टुवर्ड्स 88। उसके लिए प्राइस एक्शंस क्या देखना है कि हमें नॉन रेगुलरली लोअर हाई हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस देखना है। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी 3.863 है और अब कल के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना है। 2-ईयर ट्रेजरी आपका 4.84 है एंड द डिफरेंस बिटवीन 2-ईयर एंड 10-ईयर इज नाउ -98 पॉइंट्स का है, 98 बेसिस पॉइंट्स का है। सो हमें कल के लिए इंतजार करना है। यहाँ पे एक ही पॉजिटिव चीज देख रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये जो आरएसआई है, आरएसआई एक रेंज शिफ्ट के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। ये रेंज शिफ्ट कंफर्म कब होगा, जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक है ट्रेंड लाइन के लो के नीचे क्लोज दे देता है। इन सच केस ये कंफर्मेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए इसके ट्रेंड लाइन के लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।